चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे अध्याय नंबर 3। और अध्याय 3 में है मानव जनन। हमने पादप में जनन के बारे में बात की, जनन क्या होता है, पुष्पीय पौधों में जनन के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, ठीक है। उसके पहले हमने जीवों में जनन के ऊपर बात की थी कि जीवों में किस कितने प्रकार का जनन होता है, किस प्रकार से जनन क्रिया करते हैं, अलग अलग प्रकार के जनन क्रिया के बारे में हमने बात की थी। अब थर्ड चैप्टर जो है स्पेशली मानव के ऊपर है कि मानव जो है, मानव में जनन किस प्रकार से होता है। तो ये जो चैप्टर है वह बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये हमसे मानव से जुड़ा हुआ है और मानव से जुड़े होने के कारण हमें सारी चीज़ें अपने आप के बारे में पता होना चाहिए कि एक्चुअल जो प्रोसेस होती है वह किस प्रकार से होती है, मानव में कौन कौन से जनन अंग पाए जाते हैं, किस प्रकार से युग्मकों का निर्माण होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, इस प्रकार से आगे जो एम्ब्रियो या भ्रूण का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। तो उन तमाम बातों के ऊपर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मानव में हमें ये मालूम है कि मानव जो है वह कैसा है, एक लिंगी प्राणी होता है। एक लिंगी का मतलब क्या होता है कि ऐसा प्राणी या ऐसा जीव जिसमें कि नर और मादा जनन अंग अलग अलग जीवों में उपस्थित होते हैं, यानी दो लिंग होंगे इसमें, एक नर होगा और एक मादा होगा, मतलब पुरुष और महिला की बात कर रहे हैं, ठीक। अब दोनों जब अलग अलग है तो दोनों में युग्मकों का निर्माण कहाँ होगा, उनके जनद में होगा या गोनाड में होगा। महिला में अलग गोनाड होगा, पुरुष में अलग गोनाड होगा, दोनों में क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे। और युग्मकों के बनने के बाद जब निषेचन होगा तो जायगोट बनेगा और जायगोट के बनने के बाद में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। तो वो सारी तमाम बातों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक एक करके, क्योंकि हमें ये तो मालूम है कि मानव में जो जनन होता है वो कैसा होता है, लैंगिक जनन होता है। कैसा जनन होता है, लैंगिक जनन। अब हमें ये तो मालूम है कि जब भी हम लैंगिक जनन की बात करते हैं, लैंगिक जनन में क्या होते हैं कि जो जनक होते हैं वो कितने होते हैं, जनकों की संख्या, जनक कितने होते हैं, दो जनक होते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि दो जनक होते हैं। दो जनक का मतलब क्या होता है कि एक तो होगा कौन सा, नर, और एक होगा मादा, ठीक। अब नर में जो युग्मक बनेगा वो कैसा बनेगा, नर युग्मक। तो नर में जो गोनाड होंगे या इसको हम क्या बोलते हैं, जनद, क्या बोलते हैं, जनद, जनद। और यहां पे भी क्या होंगे, जनद, ठीक। यहां पे नर जनद हम बोल सकते हैं और इसको मादा जनद बोल सकते हैं। जनद का मतलब क्या होता है, वह जनन तंत्र का वह भाग जिसमें कि किसका निर्माण होता हो, युग्मकों का निर्माण होता है। तो जैसे हम यहाँ पे अगर हम पुरुष की बात करें, यहाँ पे किसकी बात करें, पुरुष, या हम यहाँ पे मेल की बात करें, तो यहाँ पे जनन कौन सा होता है, तो यहाँ पे होता है वृषण। यहाँ पे क्या होता है, वृषण। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या होता है, अंडाशय, अंडाशय, ठीक। ये तो बात पता है। अब जनद में काय का निर्माण होगा, यहाँ पे युग्मक का निर्माण होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ युग्मक, 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 ठीक। कौन सा युग्मक होता है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि पुरुषों में जो युग्मक होता है उसको बोलते हैं शुक्राणु, क्या बोलते हैं, शुक्राणु। और मादा में जो युग्मक होता है इसको हम मादा युग्मक बोल सकते हैं, ठीक, मादा युग्मक, मादा युग्मक जिसको कि हम बोलते हैं अंडाणु, ठीक। ये बात क्लियर हो गई। अब ये तो अलग अलग युग्मकों का निर्माण हुआ, नर में अलग हुआ, मादा में अलग हुआ। अब क्या होगा भाई, अब इन दोनों युग्मकों का क्या होगा, मिलन होगा, जिसको हम बोलते हैं निषेचन। तो निषेचन जो मानव में निषेचन होता है वो कैसा होता है, अंतः निषेचन होता है। कैसा होता है, अंतः निषेचन।
अंतः निषेचन। ये भी पता होना चाहिए कि निषेचन भी जो होता है दो प्रकार का होता है, बाह्य निषेचन होता है, अंतः निषेचन। लेकिन मानव में जो निषेचन होता है अंतः निषेचन, अंतः निषेचन का मतलब क्या होता है कि जो शुक्राणु और अंडाणु जो मिलते हैं वह शरीर के अंदर मिलते हैं। मतलब कि जो मादा का जनन अंग होता है, मादा का जनन अंग जिसको कि हम क्या बोलते हैं, जो ओवेरी होती है, ठीक, वहाँ पे उसकी जो फेलोपियन ट्यूब होती है, उस फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, निषेचन की क्रिया होती है। अब हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि शुक्राणु और अंडाणु का जो मिलन होता है वो कहाँ पे होता है, शरीर के अंदर होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं अंतः निषेचन। तो अंतः निषेचन में शुक्राणु और अंडाणु जब मिलेंगे तो क्या बनेगा भाई, जहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा जायगोट। क्या बनेगा, जायगोट। अब ये बताओ कि ये जायगोट जो है, जायगोट या इसको बोलते हैं युग्मनज, युग्मनज। अब ये तो पता है कि जो ये युग्मक होते हैं ये कैसा होता है, हेप्लॉयड होता है, यन सिंगल। मतलब इसमें जब व्रसन में जब शुक्राणुओं का निर्माण होता है या शुक्रजनन की क्रिया होती है तो यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होता है, क्योंकि लैंगिक जनन में हमेशा हमने ये बात की कि जो युग्मक बनते हैं ये युग्मक कैसे बनते हैं, अर्धसूत्री विभाजन से, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन क्यों होता है कि जब हमारी कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है उनकी आधी होना, क्योंकि जब हेप्लॉयड की हम बात करते हैं या अगुणित सेल की बात करते हैं तो यहाँ पे ये बात समझ लेना चाहिए कि जो मूल कोशिका होती है जिससे शुक्रजनन की क्रिया होती है तो वह अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा यहाँ पे कितनी संख्या हो जाती है, इनकी आधी हो जाती है, मतलब इसको हम हेप्लॉयड बोलते हैं। अब ऐसे ही अंडाणुओं के समय भी होगा, यहाँ पे भी इनकी गुणसूत्रों की संख्या जो होगी यन। अब दोनों जब मिलेंगे तो ये जायगोट जो होगा ये कैसे होगा, 2n, यानी इसको हम बोलते हैं डिप्लॉइड। जायगोट कैसा होगा, डिप्लॉइड। अब इस जायगोट का जो है वह आगे क्या होगा, परिवर्धन होगा, डेवलपमेंट होगा और एक शिशु का निर्माण होगा मादा जनन भाग के अंदर। तो इन तमाम बातों को हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। जनन के लिए क्या कंडीशन होती है कि जब भी लैंगिक जनन होता है उसके लिए एक स्टेज का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लैंगिक जनन ऐसा जनन नहीं है कि किसी भी उम्र में यह स्टार्ट हो, इसके लिए एक परिपक्व अवस्था तक आना जरूरी होता है। जब परिपक्व अवस्था में जीव आता है तभी लैंगिक जनन योग्य वह हो पाता है। तो मानव में लैंगिक जनन की जो उम्र होती है वो भी एक जो किशोर अवस्था के बाद की उम्र, जिसको हम यवन अवस्था कहते हैं या वयस्क अवस्था कहते हैं, जो स्टार्ट होती है यह किशोर अवस्था के बाद होती है। तो उसको ऊपर हम यहाँ पे एक एक करके सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पे ये चीज़ें देखेंगे कि सबसे पहले कि मानव प्रजनन तंत्र यानी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यहाँ पे ये बात समय कि हमने यहाँ पे ये तो डिस्कस कर लिया था कि मानव जो है वह कैसा है, एक लैंगिक रूप से जनन करने वाला। लैंगिक का मतलब जिसमें कि दो जनक होते हैं और दोनों जनक नर और मादा के द्वारा अपने युग्मकों का निर्माण, क्योंकि युग्मक बनते हैं। लैंगिक जनन की विशेषता क्या होती है कि इसमें युग्मक बनते हैं और युग्मक आगे चल के यह जब मिलते हैं तो उस क्रिया को हम बोलते हैं निषेचन, और उसी के द्वारा जायगोट या युग्मनज का निर्माण होता है और आगे चल के उसका जब विकास होता है तो एक नए जीव का निर्माण होता है। लैंगिक रूप से जनन करने वाला सजीव प्रजक या जरायुज प्राणी है। यहाँ पे ये बात समझे कि जरायुज प्राणी है, सजीव प्रजक प्राणी है और लिंग भी पृथक पृथक होती है। तो ये बातें तो हमें पता है कि मानव में लिंग जो है वह पृथक पृथक होते हैं, एक नर होता है और एक मादा होता है, ठीक। दूसरी बात कि यह सजीव प्रजक या जरायुज प्राणी है। जरायुज का मतलब क्या होता है कि जो शिशु का विकास होता है वह माता के गर्भ में होता है।
तो माता के गर्भ से जो शिशु का पोषण होता है वह एक प्लेसेंटा या जिसको हम जरायु कहते हैं उसके द्वारा उसका क्या होता है, भरण पोषण या उसको पोषण जो है वह पूरा मिलता है, यानी कि प्लेसेंटा जो है वह निर्मित होता है नाभि के द्वारा। माता के रुधिर से जो है वह डायरेक्ट कनेक्ट होता है और सारा पोषण माता के रुधिर से उसको मिलता है। दूसरी बात हमें ये भी मालूम है कि जो पुरुष होते हैं या जो हम मानव की बात करते हैं, ठीक, मानव जो होते हैं, यहाँ पे ये बात समझ लेना चाहिए कि मानव में अगर हम स्पेशली बात करें कि भाई मानव में जो बच्चे को जन्म देती है वो तो महिला देती है, क्योंकि शिशु का जो विकास होता है वो कहाँ होता है, माता की गर्भ में होता है। तो यहाँ पे ये बात समझ लेना जरूरी कि यह एक क्या है, विवीपेरस प्राणी है। विवीपेरस का मतलब होता है शिशु को जन्म देने वाला प्राणी होता है। कुछ प्राणी आपने देखे होंगे कि अंडे देते हैं, लेकिन मानव जो है वह अंडा नहीं देता है, मानव क्या करता है, शिशु को जन्म देता है। ठीक, मानव में क्या, नर भी आता है और मादा भी आता है। तो स्पेशली हमें ये तो पता है कि जो शिशु का जन्म होता है वो माता की गर्भ से होता है, तो शिशु को जन्म देने वाला यह मानव जो है यह प्राणी होता है, ये बात हमें पता होना चाहिए। सेकेंड, हम यहाँ पे उन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, हमें आखिर पढ़ना क्या है उसके ऊपर हम यहाँ पे एक ओवरव्यू बात करेंगे कि इस चैप्टर में आखिर पढ़ना क्या है, उन चीज़ों को यहाँ पे एक नज़र में हम थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम युग्मकों की संरचना, युग्मकों के मतलब कि शुक्राणु की संरचना और अंडाणु की संरचना को पढ़ना है। तो ये बात तो हो गई कि हमें नंबर वन पे यहाँ पे क्या पढ़ना है कि युग्मकों की संरचना कैसे होती है। सेकेंड बात, युग्मक जनन, युग्मकों का निर्माण कैसे होता है, युग्मक जनन क्रिया कहते हैं। ठीक, मतलब कि शुक्र जनन के द्वारा शुक्राणु का निर्माण और ऊजेनेसिस यानी अंडाणु जनन या अंड जनन के द्वारा अंडा का निर्माण होना, तो ये दोनों को हम बोलेंगे युग्मक जनन। ठीक, कॉमन रूप से हम क्या बोलेंगे इसको, युग्मक जनन। फिर आता है कि जब युग्मकों का निर्माण हो गया तो जब ये पता है कि जो शुक्राणु होते हैं यानी कि जो नर युग्मक होते हैं, इस शुक्राणु का स्थानांतरण होगा कहाँ पे, मादा की योनि में। क्यों, क्यों, जब तक निषेचन की क्रिया नहीं होगी तो आगे शिशु का निर्माण कैसे होगा, तो शिशु का निर्माण करने के लिए ये जरूरी है कि दोनों युग्मक आपस में मिले, मतलब कि अंडा और शुक्राणु दोनों का मिलना बहुत जरूरी होता है। अंतः निषेचन होता है, तो अंतः निषेचन होता है तो जो नर के शुक्राणु होते हैं वह मादा के योनि में क्या करते हैं, स्थानांतरित किया जाता है, इसको बोलते हैं हम वीर्य सेचन। इसको क्या बोलते हैं हम, वीर्य सेचन। अब ये जब वीर्य सेचन हो जाता है या शुक्राणु का स्थानांतरण होता है तो उससे क्या होता है, निषेचन की क्रिया होती है, क्योंकि युग्मक यहाँ पे मिल रहे हैं, मतलब अंडाणु और शुक्राणु का जब मिलन होता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, निषेचन। निषेचन हो जाने के बाद, ये तो हो गई थर्ड बात, ये हो गई फोर्थ बात, और फिफ्थ में हम पढ़ेंगे जायगोट, कि जायगोट का निर्माण जब दोनों युग्मक आपस में मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, युग्मक का निर्माण होगा, सॉरी जायगोट का निर्माण होगा। अब जायगोट में हम चीजों को आगे उनके डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे कि कोरक पुट्टी यानी ब्लास्टोसिस्ट की रचना के ऊपर हम बात करेंगे, फिर जो शिशु का परिवर्धन या एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है या इसको हम बोल सकते हैं कि भ्रूणीय परिवर्धन, और उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे शिशु का जन्म। इतनी बातें हमें इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़नी है। अब एक बात बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे है कि जो पुरुष होता है यानी नर होता है, इसमें शुक्राणु का बनना जो होता है वह जीवन पर्यंत बनते हैं, ये कभी बंद नहीं होते, जब तक जीवन है पुरुष का या नर का, नर के जीवन भर शुक्राणुओं का बनता है यानी शुक्रजनन की क्रिया इनमें पूरे उम्र या तहा उम्र चलती है, जबकि जो मादा होती है उसमें अंडाणु का बनना एक उम्र तक ही होती है, यानी कि 40 से 50 उम्र, यहाँ पे एक मार्क है कि किसी किसी में आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है, वो उनके हेल्थ खान पान पर डिपेंड करता है, बॉडी फिटनेस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन
45 से 50, अगर हम 50 वर्ष का एक एवरेज मान के चले तो महिला में 50 वर्ष की आयु में अंडाणुओं का बनना जो है वह समाप्त हो जाता है, जिसको मेनोपॉज बोलते हैं। ठीक, अब एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि पुरुष में शुक्राणु जो है पूरे जीवन भर बनते हैं, जबकि महिला में या फीमेल में ओवा के जो बनने की प्रक्रिया होती है वह 50 साल की उम्र तक यह रहती है। स्टार्ट कैसे होती है? तो स्टार्ट 12 से 13 वर्ष की उम्र में अंडाणुओं का बनना शुरू होता है और 50 वर्ष की उम्र तक आते आते यह समाप्त हो जाती है। तो ये अवस्था जो महिला में होती है इसको बोलते हैं उसका प्रजनन काल, यानी कि प्रजनन काल का मतलब होता है कि प्रजनन की क्षमता रखना। ये बात हमें यहाँ पे चैप्टर में समझेंगे एक एक करके। ठीक, अब कुछ पॉइंट हम यहाँ पे सिर्फ डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमें यहाँ पूरी थ्योरी के ऊपर बात नहीं करेंगे, जो की पॉइंट है इस पॉइंट के ऊपर हम यहाँ पे एक एक करके, ताकि कोई भी पॉइंट इस चैप्टर से रिलेटेड कोई हमें ऐसा मिसिंग ना हो जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। देखो, ये एक बात तो हमने पहले ही डिस्कस कर चुके कि मनुष्य क्या है, एक तो एक लिंगी है। एक लिंगी का मतलब डिस्कस किया था हमने कि ऐसा जीव जिसमें कि लिंग जो है वह अलग अलग होते हैं, मतलब कि मेल और फीमेल अलग अलग होती है, जिसको हम बोलते हैं एक लिंगी। कुछ जीव आपने ऐसे भी देखे होंगे कि जो द्विलिंगी होते हैं, मतलब एक ही जीव के अंदर दोनों भी प्रजनन अंग, नर और मादा प्रजनन अंग एक ही जीव में उपस्थित होते हैं। जैसे केचवा आपने सुना होगा, इसमें नर और मादा प्रजनन अंग एक ही जीव में उपस्थित होते हैं। लेकिन कुछ फ्लावर में भी हमने बात की थी कि फ्लावर में भी क्या होते हैं, द्विलिंगी फ्लावर होते हैं जिसमें कि एंड्रोसियम और गायनोसियम दोनों ही एक ही पुष्प में होते हैं, ये हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किए। लेकिन मानव में क्या होता है, एक लिंगी होता है। अब एक बात हम यहाँ पे देखें कि प्रजनन के लिए हम ये बात देखो कि प्रत्येक लिंग में प्रजनन तंत्र में अनेक अंग पाए जाते हैं। जो इनका प्रजनन तंत्र होता है, इनके प्रजनन तंत्रों में जो अंग पाए जाते हैं, अंग जो है वह अलग अलग प्रकार के हम यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करेंगे कि इन अंगों को हम प्राथमिक तथा द्वितीयक लैंगिक अंग बोलेंगे। क्या? कि जो मानव में लैंगिक अंग होते हैं या जिसको हम सेक्सुअल आर्गन बोलते हैं, सेक्सुअल आर्गन प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल आर्गन होते हैं। प्राइमरी सेक्सुअल आर्गन क्या होते हैं? प्राइमरी सेक्सुअल या प्राथमिक लैंगिक अंग वो होते हैं जिसमें कि युग्मकों का निर्माण होता है, और सेकेंडरी सेक्सुअल आर्गन वो होते हैं कि जो प्रजनन के लिए जरूरी तो होते हैं लेकिन इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। ये बात हमें याद रखना है कि प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होते हैं और द्वितीयक लैंगिक अंग क्या होते हैं। तो प्राथमिक लैंगिक अंग का मतलब क्या होता है कि जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं प्रजनन में, मतलब कि युग्मकों का निर्माण इसके अंदर होता है, और सेकेंडरी सेक्सुअल आर्गन का मतलब होता है कि इनमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। देखो, अब हम यहाँ पे ये बात समझ ले कि प्राथमिक लैंगिक अंग किसको बोलते हैं। तो प्राथमिक लैंगिक अंग अगर हम बात करें कि अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि इसमें क्या होता है कि युग्मकों का निर्माण होता है, ये बात हमें पता होना चाहिए कि प्राथमिक का मतलब होता है कि प्राइमरी लेवल के, यानी प्राइमरी का मतलब कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्गन, क्योंकि युग्मकों के बिना तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है, तो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए हम इसको प्राथमिक स्तर पे या प्राथमिक लैंगिक अंग कहते हैं। जैसे पुरुष होते हैं, पुरुषों में क्या होता है, मैंने बात की थी कि इनका जो महत्वपूर्ण जो लैंगिक आर्गन होता है पुरुष में क्या होता है, वृषण, और महिलाओं का क्या होता है, अंडाशय, और इसी में युग्मकों का निर्माण होता है। वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है और अंडाशय के अंदर अंडाणुओं का निर्माण होता है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्राथमिक लैंगिक अंग। पुरुषों में क्या बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं, और यहाँ पे ये बात समझ ले कि जो पुरुष में जो वृषण होता है, पुरुष के अंदर जो वृषण होता है जो कि संख्या में कितनी होती है, एक जोड़ी वृषण होते हैं। ठीक, अब ये एक तो इसमें शुक्राणुओं का निर्माण होगा, और दूसरी बात कि जो लैंगिक हार्मोन्स होता है या सेक्स हार्मोन्स होता है, ये सेक्स हार्मोन्स पुरुषों में जैसे टेस्टेरॉन क्या करते हैं, यह स्रावित करते हैं। पुरुष का
जो सेक्स हार्मोन से होता है या नर हार्मोन से जिसको हम कहते हैं, पुरुषों में कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरॉन। कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरॉन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो वृषण के द्वारा। उसी प्रकार अगर मैं यहां बात करूं कि अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है, ये तो पता है क्योंकि यह इसका प्राथमिक आंगन है। लेकिन यहां पे यह बात रखिए कि इसकी जो ग्राफियन परिपक्व जो मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स होती है, इसके द्वारा जो मादा हार्मोन्स होता है वो कौन सा होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन्स। एस्ट्रोजन हार्मोन्स का सिक्रेशन कहाँ पे होता है? जो अंडाशय की जो ग्रेफियन फॉलिकल्स होती है इसके द्वारा, जो परिपक्व ग्रेफियन फॉलिकल्स। ग्रेफियन फॉलिकल्स क्या होते हैं इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि पुरुष हार्मोन्स कौन सा होता है? तो टेस्टोस्टेरॉन। और मादा हार्मोन्स कौन सा होता है? तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स स्रावित करते हैं। अब द्वितीयक लैंगिक अंग कौन से होते हैं? मैंने बताया कि द्वितीयक लैंगिक अंग का मतलब क्या होता है कि ऐसे अंग जो कि प्रजनन में सहायता जरूर करते हैं लेकिन इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता। देखिए बहुत क्लियर है कि इसमें जो लैंगिक अंग होते हैं कौन से? वो भी द्वितीयक लैंगिक अंग। कौन कौन से होते हैं? इसमें ग्रंथियां एवं नलिकाएं जो कि युग्मक उत्पन्न नहीं करते परंतु प्रजनन के लिए क्या होते हैं? यह आवश्यक होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के युग्मक का निर्माण नहीं होता है। जैसे पुरुषों में वासा इफ्रेंसिया, ईपीडी डायमिस, वासा डिफरेंस, इजेकुलेटरी डक्ट, ये सब क्या है? सेमाइनल वेसिकल्स और यूरेथ्रा, सहायक लैंगिक ग्रंथियां कुछ होती है जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल को शायद आगे बात कर ली, और सीसन। ये सब क्या है? द्वितीयक लैंगिक अंग होते हैं। कौन कौन से? देखिए यहां पे हम ये समझ लो कि जो वासा इफ्रेंसिया या वासा डिफरेंसिया भी बोलते हैं, देखो ये अलग अलग होती है। वासा इफ्रेंसिया और वासा डिफरेंसिया एक से आते हैं, शुक्राणुओं को वहन करने वाली नलिका होती है एक्चुअली ये। इसको हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। और ये सारे के सारे जितने हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं द्वितीयक लैंगिक अंग, जब हम पुरुष का प्रजनन अंग के बारे में डिस्कस करेंगे उसमें ये पूरा स्ट्रक्चर एक एक करके वहाँ पे डिस्कस होगा। फिलहाल सिर्फ ये याद रखना है हमें कि ये द्वितीयक लैंगिक अंग कौन कौन से होते हैं। तो मैंने बात की कि वासा इफ्रेंसिया, ईपीडी डायमिस, वासा डिफरेंस, इजेकुलेटरी डक्ट और सेमाइनल वेसिकल, यूरेथ्रा, सहायक लैंगिक ग्रंथियां, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर ग्लैंड और सीसन। ये सब की सब क्या होते हैं? द्वितीयक लैंगिक अंग। कौन से? पुरुष के द्वितीयक लैंगिक अंग। ठीक है, इसमें युग्मकों का निर्माण कहीं पर भी नहीं हो रहा लेकिन ये प्रजनन के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। उसी प्रकार महिला में भी ऐसे, देखो महिलाओं में फेलोपियन ट्यूब, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता लेकिन निषेचन की क्रिया इसी के अंदर होती है। ठीक है, उसी प्रकार से यूटेरस यानी गर्भाशय, वेजाइना, बाह्य जननांग, बर्थोलिन ग्लैंड और मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स का मतलब जिसमें कि मिल्क का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मेमोरी ग्लैंड्स। ये सब क्या है? द्वितीयक लैंगिक अंग होते हैं। तो महिला में कौन कौन से? फेलोपियन ट्यूब, इसके अलावा यूटेरस, वेजाइना, बाह्य जननांग जैसे बर्थोलिन ग्लैंड और मेमोरी ग्लैंड्स, ये सब क्या है? द्वितीयक लैंगिक अंग होते हैं। इसके अलावा भी कुछ होता है, तो और भी एक बात होती है जिसको हम बोलते हैं सहायक या बाह्य द्वितीयक लैंगिक लक्षण। हम यहाँ पे कुछ लैंगिक लक्षणों के ऊपर बात करेंगे जो कि जिसको हम बोलते हैं सहायक या बाह्य या द्वितीयक लैंगिक लक्षण। द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होते हैं? द्वितीयक लैंगिक लक्षण के बारे में ये बात कर लो कि ये वे लक्षण है जो प्रजनन में सीधी भूमिका नहीं निभाते, मतलब कि प्रजनन में इनका कोई सीधा रोल नहीं है लेकिन बल्कि दोनों लिंगों को विशेष लक्षण यौन संरचना प्रदान करते हैं। क्या करते हैं ये? दोनों लिंग मतलब कि नर और मादा दोनों को क्या करते हैं? एक विशेष संरचना प्रदान करते हैं। कौन सी संरचना प्रदान करते हैं भाई? जैसे हम पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में
दाढ़ी मूछे, भाई इसका तो प्रजनन से कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन जब दाढ़ी मूछे आ जाती है तो ये क्लियर हो जाता है कि ये जो बंदा है वह अवस्था में पहुंच गया है, क्योंकि किशोर अवस्था के बाद दाढ़ी मूछे निकलना प्रारंभ होती है। तो दाढ़ी मूछे, उसी प्रकार से कंधों, छाती और प्यूबिक भाग में बालों का पाया जाना, ये सब क्या है, ये विशेष लक्षण जो कि इनको क्या करते हैं, एक संरचना प्रदान करते हैं। बल्कि हम यहाँ पे ये बात करें कि जो पुरुष है या तुलनात्मक रूप से जो अगर मैं बात करूँ तो उसकी अधिक ऊंचाई हो जाती है, सुविकसित शारीरिक पेशियाँ पेशियों में उभार आ जाता है, और दूसरी बात कि उनका जो कंठ है यहाँ से कंठ निकल आता है, थोड़ा सा उभरा हुआ दिखाई देता है। तो ये एक शारीरिक संरचना में बदलाव जो आता है वह वयस्क अवस्था में ये बताता है कि ये इसके क्या है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण, इसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जो कि संरचना एक प्रदान करता है उस पुरुष को या महिला को। उसी प्रकार महिलाओं में भी कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं और उसमें भी कुछ चीज़ें उतर दीजिए, महिलाओं की ऊंची आवाज़ और ये सारी चीज़ें जो होती है, कहीं ना कहीं एक शारीरिक संरचना में क्या होता है, एक बदलाव आता है, और उस बदलाव से ये होता है कि ये मैंने बताया था कि जो लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन एक अवस्था के बाद स्टार्ट होता है, तो ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण एक कह सकते हैं कि ये क्या होते हैं, उनको प्रकट करता है कि जीव जो है या जो मानव है वह प्रजनन योग्य हो गया। तो ये बात हमें पता होना चाहिए, सारे जो चीज़ें हैं ये क्लियर हो गई कि लैंगिक अंग जो प्राथमिक लैंगिक, द्वितीयक लैंगिक और ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन कौन से होते हैं, तो ये बातें हमें पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं आगे, देखिए यौन अवस्था, हमने बात की थी कि यौन अवस्था जो कि किशोर अवस्था के बाद की अवस्था है और यही से प्रजनन का जो क्षमता है वह मानव में शुरू होती है। अब वयस्कता या यौन कहलाता है, कब लैंगिक परिपक्वता या योग्यता की शुरुआत वयस्कता या यौन कहलाता है। लड़कियों में यौन अवस्था जो है 13 से 14 वर्ष की उम्र में और लड़कों में जो है वह 13 से 15 वर्ष की उम्र में यह स्टार्ट हो जाता है। अब ये बात करें कि पुरुषों में प्रजनन की विशेषता क्या होता है, अब ये बात हमें पता होना चाहिए कि जो मनुष्य है, सॉरी मनुष्य की बात कर रहे हैं हम, कि मनुष्य की जो लैंगिक विशेषता होती है इसके ऊपर एक नज़र हम डालेंगे, क्योंकि आगे तो हमें सारी चीज़ों को पढ़ना है, लेकिन लैंगिक जनन के बारे में कि पुरुष जो मनुष्य है, मनुष्य में लैंगिक जनन की क्या प्रमुख विशेषता होती है। तो पहली तो बात हमने कर दी थी कि ये जो होता है इसमें लैंगिक जनन होता है, दूसरी बात हमने कहती कि यह जो होता है वह यूनिसेक्सुअल होता है या एक लिंगी होता है, ठीक, युग्मकों का निर्माण अलग अलग जीव में होता है, इसलिए हमने बात की कि ये क्या होता है, एक लिंगी होता है। दूसरी बात कि मनुष्य नॉन सीजनल ब्रीडर होता है। नॉन सीजनल ब्रीडर का मतलब होता क्या है, नॉन सीजनल ब्रीडर का मतलब होता है कि इनमें जो ब्रीडिंग की क्रिया होती है वो ऐसे नहीं है कि किसी विशेष सीजन में होती हो या किसी विशेष माह में होती हो, ये पूरे वर्ष जो है वह बच्चों का जन्म दे सकते या प्रजनन क्रिया यह पूरे साल में कर सकते हैं। जबकि कुछ जीव ने आपने देखा होगा कि यह विशेष मौसम में ही ब्रीडिंग करते हैं, जैसे मेंढक हो गया, मेंढक की ब्रीडिंग करने की एक स्पेशल टाइम पीरियड होता है, उसी टाइम पीरियड में वो ब्रीडिंग करता है। वैसे ही आपने देखा होगा डॉग में, ये भी कुछ मंथ होते हैं इनके, उस मंथ में यह ब्रीडिंग करते हैं। लेकिन मनुष्य में ऐसा नॉन सीजनल ब्रीडर का मतलब होता है कि एनी टाइम, ठीक। सेकेंड, एस्ट्रस हीट नहीं पाया जाता है, मतलब कि इनके जो एग होते हैं इनके लिए किसी भी एस्ट्रस हीट यानी कि टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती है। सेकेंड बात, महिलाओं में बच्चों को जन्म देने की योग्यता आना, इसको हम बोलते हैं यमसी का शुरू होना, तथा जो समाप्त होती है इसको बोलते हैं मेनोपॉज। मैंने आपसे बात की थी कि महिलाओं में जो ओवा बनने की जो प्रक्रिया होती है वह एक ड्यूरेशन में होती है, कि जब वह यौन अवस्था प्रारंभ होती है, मतलब कि 13 से 14 वर्ष की उम्र में या
हम कह सकते हैं कि 11-12 वर्ष की उम्र में जो है वह एमसी आना शुरू होती है, इसको बोलते हैं मेस्चुरेशन साइकिल। और मेस्चुरेशन साइकिल का शुरू होना ये दर्शाता है कि यहाँ पे यौन अवस्था जो है वह प्रारंभ हो गई, यानी कि यह प्रजनन योग्य हो रही, यानी इनमें ओवा का फॉर्मेशन जो है वह स्टार्ट हो गया है। और समाप्त होना यानी कि मेनोपॉज, जो कि मैंने बताया था कि 50 वर्ष की उम्र में लगभग ये क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। सेकेंड बात कि महिलाओं में 28 दिन की जो पूर्णाव्रत या मेस्चुरेशन साइकिल होती है वो कितनी पाई जाती है, 28 दिन की, मतलब कि हर महीने में जब प्रजनन काल होता है इनका, प्रजनन काल जो कि एमसी आने से और मेनोपॉज तक, यह हर महीने आती है, लेकिन उस ड्यूरेशन को छोड़ना पड़ेगा जिसमें वह गर्भावस्था को छोड़ के, गर्भावस्था में एमसी जो है वह नहीं होती है। ठीक, तो गर्भावस्था को छोड़ के इनके जो प्रजनन काल होता है महिला में, ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वह हर महीने चलती है। ठीक, 28 दिन की साइकिल होती है, 3 दिन जो है वह ऋतुस्राव यानी कि ब्लड का रिसाव होता है, 3 से 4 दिन या 5 दिन तक यह रिसाव चलता है, और एक महीने में एक ओवा जो है यहाँ पे निकलता है। अब ओवरी की संख्या या अंडाशय की संख्या 2 होती है, तो अंडाशय जो है वह महिला में अल्टरनेट क्रम में महीने में एक अंडा निकालता है, मतलब कि एक महीने में इस ओवरी से अंडा निकला तो दूसरे महीने में दूसरे ओवरी से अंडा निकलेगा, मतलब अल्टरनेट क्रम में, लेकिन एक महीने में एक ओवा जो है वह निकलता है, मतलब कि महीने में 28 दिन के अंदर अगर हम बात करें तो ये साइकिल जो है वह कंटिन्यू चलती है। इसको हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल में और डिटेल में बात करेंगे। ठीक, निषेचन कैसा होता है, तो हमने बात की कि निषेचन जो है वह अंतः निषेचन होता है, मतलब कि बॉडी के अंदर होता है। विवीपेरस होता है का मतलब क्या होता है कि बच्चों को जन्म देने वाला होता है, अंडा नहीं देते, मनुष्य अंडा नहीं देते, क्या देते हैं, बच्चों को जन्म, और जो बच्चों को जन्म देता है तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं विवीपेरस, और जो अंडा देता है उसको बोलते हैं ओवीपेरस। ठीक, तो ये कैसे होते हैं, विवीपेरस यानी बच्चों को जन्म। अब भ्रूण का गर्भाशय के अंदर विकसित होना एवं जुड़ी हुई विशेष संरचना जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं, प्लेसेंटा के द्वारा क्या होता है, शिशु का पोषण होता है, नवजात शिशु माता के दूध से पोषण प्राप्त करता है। ठीक है, यानी मिल्क फॉर्मेशन जो है वह, जब जैसे शिशु का जन्म होता है तो मिल्क का सेक्रेशन जो है वह स्टार्ट हो जाता है। पेरेंटल केयर सुविकसित पाया जाता है, पेरेंटल केयर का मतलब क्या होता है कि हम जैसे शिशु होता है, छोटा शिशु या नवजात शिशु जो होता है उनका पेरेंटल केयर हमें करना होता है, उसका ध्यान जब तक वह बड़ा ना हो जाए तब तक माता पिता जो है उनको पेरेंटल केयर देते हैं, यानी कि उनकी देखभाल करते हैं। तो ये उससे जुड़ी कुछ बातों के ऊपर हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब आते हैं नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र में हम ये बात करेंगे कि नर जनन तंत्र में सबसे पहले कि मानव में नर जनन तंत्र में जो प्राथमिक अंग और द्वितीयक अंगों के ऊपर हमने बात की थी, तो प्राथमिक अंग कौन सा होता है, तो इसमें होता है कौन सा, टेस्टिस, जो कि संख्या में कितनी होती है, एक जोड़ी टेस्टिस जो है वह व्रसन कोष के अंदर बंद रहती है, तो ये जो है इसको हम बोलते हैं क्या, प्राथमिक लैंगिक अंग। अब इसके अलावा एक जोड़ी इपिडिडाइमिस, एक जोड़ा वासा डिफरेंसिया, एक जोड़ी इजेकुलेटरी डक्ट, एक यूरेथ्रा और एक सीसन तथा कुछ सहायक ग्रंथियां, जिसके कि मैंने आपको बात की थी कि कौन कौन सी सहायक, जैसे कॉपर ग्लैंड्स वगैरह जो होती है, इजेकुलेटरी डक्ट, ये सारी चीज़ें, वो इजेकुलेटरी डक्ट ने हमने कॉपर ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर जो बात की थी वो कहाँ पर होती है, ये सहायक जनन ग्रंथियाँ होती है। तो क्या क्या बात की कि पुरुष में जो होता है मुख्य जो जनन अंग होता है इसका क्या होता है, यह टेस्टिस, ठीक, जो कितनी होती है, 1 पेयर, कैसे होती है, यह 1 पेयर। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग, ये क्या होता है, प्राथमिक लैंगिक अंग। अब प्राथमिक लैंगिक अंग मतलब जिसमें युग्मक का निर्माण होता है, व्रसन में युग्मक का निर्माण होता है किसके द्वारा, शुक्र जनन की क्रिया जो है वह व्रसन में होती है, कैसे होगी उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फटाफट बताइए कि
जो नर जनन तंत्र होता है, नर जनन तंत्र में क्या क्या है, तो एक जोड़ी वृषण जिसको कि हम बोलते हैं टेस्टिस, इसके अलावा अगर हम बात करें, देखो एक जोड़ी टेस्टिस और एक जोड़ी इपिडिडाइमिस, एक जोड़ी वासा डिफरेंसिया, इजेकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा और सीसन तथा कुछ सहायक ग्रंथियां, ये जो है इनके लैंगिक अंग होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो एक नर जनन तंत्र होता है या जिसको हम बोल सकते हैं कि नर प्रजनन तंत्र या प्रजनन अंग, तो नर प्रजनन तंत्र हम जानते हैं कि यह वृषण होता है और वृषण के अंदर ही जो है शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो यहाँ पे एक एक करके हम बात करेंगे कि नर प्रजनन तंत्र में एक तो वृषण कोष आता है, वृषण कोष के बाद में वृषण के अंदर क्या होता है, वृषण होते हैं जो कि संख्या में कितने होते हैं, दो वृषण होते हैं, या जोड़ी के रूप में अगर बात करें तो कितने होते हैं, एक जोड़ी वृषण उपस्थित होते हैं। ठीक, हम यहाँ पे सबसे पहले इनकी लोकेशन देख लेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे संख्या में दो वृषण, यहाँ पे आपको एक दिखाई दे रहा है एक इस साइड के डायरेक्शन में, यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से दो वृषण होते हैं। वृषण जो होते हैं वह वृषण कोष के अंदर स्थित होते हैं जो कि बॉडी से थोड़े क्या होते हैं, दूर स्थित होते हैं। अब हमने बताया था कि जो वृषण होते हैं और इसी भाग में क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक, ये क्या होते हैं, वृषण। ठीक, हमने यहाँ पे ये क्या है, वृषण, या इसको हम बोल सकते हैं क्या, ये वृषण है। ठीक, वृषण वृषण कोष के अंदर बंद होते हैं। वृषण कोष के अंदर क्या होता है, वृषण पालिकाएं या ऐसी लोब्स होती है जिसको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्स या वृषण पालिकाएं। वृषण पालिकाएं अगर इसका हम काट देखें या वृषण की एक अगर काट को हम देखें तो हमें अंदर क्या क्या चीज़ें दिखाई देती है, ये बात हम पहले डिस्कस करेंगे कि वृषण के अंदर जो होती है वृषण पालिका होती है। वृषण पालिका आगे चल के वृषण जालिका का निर्माण करती है। ठीक, क्या काय का निर्माण करती है, वृषण पालिकाएं जो है वृषण जालिका का निर्माण करते हैं। वृषण जालिका आगे क्या होती है, शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका वास्तव में नली के समान संरचनाएं होती है और ये सारी नलिकाएं जब मिलती है तो ऊपर जो वृषण के ऊपर जो एक टोपी के समान संरचना बन जाती है या केप के समान संरचना बन जाती है, इसको बोलते हैं हम अधिवृषण। क्या बोलते हैं, अधिवृषण। तो क्या क्या बात हो गई, वृषण, वृषण के अगर हम काट की बात करें तो इसमें वृषण पालिकाएं होती है। वृषण पालिका जो है वृषण जालिका का निर्माण करती है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है ये क्या है, वृषण जालिका। वृषण जालिका आगे शुक्रवाहिकाएं बनाती है और शुक्रवाहिकाएं आपस में गुच्छे का निर्माण करती है जिसको क्या बोलते हैं हम, अधिवृषण। अब ये अधिवृषण जो है आगे चल के शुक्रवाहक ये नली का निर्माण करती है। अब देखिए शुक्रवाहक नली जो है आके अपने अपने, यानी कि दो, हमने बात की थी कि शुक्राशय की संख्या कितनी होती है मानव में या मनुष्य में, दो। तो पुरुष में शुक्राशय की संख्या भी दो होती है और जो वृषण होते हैं इसकी भी संख्या कितनी होती है, दो। तो ये दोनों नलियां कौन सी, दोनों शुक्रवाहक नलिका जो है यह शुक्राशय के अंदर खुलती है। शुक्राशय वास्तव में देखा जाए तो यहाँ पे शुक्राणु क्या होते हैं, स्टोर रहते हैं और शुक्राणुओं का ये कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, स्टोरेज होता है। अब ये शुक्राशय जो होते हैं आगे चल के इसके नीचे में ये ग्रंथि होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। और प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे जो होती है ये कंद मूत्र पथ ग्रंथि या इसको कॉपर ग्लैंड कहते हैं। तो दो ग्रंथियां जो कि हमने बात की कि शुक्राशय के नीचे में प्रोस्टेट ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे कौन सी होती है, यह कॉपर ग्लैंड। प्रोस्टेट और कॉपर ग्लैंड ये दो ग्रंथियां जो होती है पुरुष में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसके क्या उपयोग होते हैं, क्या काम होते हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे चीज़ों को समझ रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। इसके बाद कॉपर ग्लैंड के बाद में आपने देखा होगा कि ये जो शुक्राशय है शुक्राशय के ऊपर में मूत्राशय होता है जहाँ पे यूरिनरी ब्लॉडर बोलते हैं, जहाँ पे यूरिन क्या होता है, स्टोर होता है। अब पुरुष में यूरिन का मार्ग और जो
शुक्राणुओं का मार्ग जो होता है वो एक ही रहता है, तो इसको हम कामन पद बोलते हैं, इसको बोलते हैं मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग से ही शुक्राणु भी शरीर से बाहर निकलते हैं। तो ये जो है यह क्या होता है, मूत्र मार्ग, जो कि सीसन के द्वारा, ये क्या है, एक सीसन है, ये क्या है, सीसन है, और इस सीसन के द्वारा ही यहाँ पे ये नली दिखाई दे रही है, ये नली से ही क्या होते हैं, शुक्राणु जो है वह बाहर आते हैं और यूरिन भी जो है इसी से बाहर आता है। सीसन के शीर्ष ओर पे सीसन मुंड होता है और यहाँ पे यह अग्रच्छत होते हैं, और यहाँ पे सीसन मुंड जो होता है ये क्या होता है, सीसन का टॉप भाग होता है। ठीक, तो क्या क्या बात कर ली, व्रसन, व्रसन जो होता है यहाँ पे हम बात करें कि व्रसन के बाद में हम इपिडाइमिस की सीधी बात कर सकते हैं, और इपिडाइमिस के बाद में शुक्रवाहक की बात कर सकते हैं, शुक्रवाहक के बाद में हम शुक्राशय की बात कर सकते हैं, और शुक्राशय के बाद में हम प्रोस्टेट और कॉपर ग्लैंड की बात कर सकते हैं, और ये मूत्र मार्ग। तो हमने ये बात तो समझ ली कि ये जो मूत्र वाहिनी नली जो होती है इसी के द्वारा शुक्राणु भी जो है बाहर निकलते हैं। ये शुक्राशय और यूरिनरी ब्लाडर जो कि मूत्राशय होता है, मूत्राशय में यूरिन स्टोर होती है, तो ये बातें हमें पता होना चाहिए। तो ये बात क्या क्या हो गई कि एक तो व्रसन कोष, व्रसन कोष के बाद में हमने ये बात की कि व्रसन जो इसमें क्या रहता है, व्रसन रहता है। ठीक, व्रसन में हमने ये बात की कि इसमें क्या क्या होता है, तो व्रसन में ये लोप्स जो कि हमने क्या बात की, देखिए व्रसन पालिकाएं, व्रसन जालिकाएं और व्रसन जालिका मिलके हमने यहाँ पे बात की कि शुक्रवाहिकाएं और यहाँ पे अधिव्रसन। तो अधिव्रसन यहाँ पे देखिए, ये तो बात हो गई व्रसन की, व्रसन के ऊपर जो टोपी के समान संरचना होती है इसको क्या बोलते हैं हम, अधि अधिव्रसन। ठीक, अधिव्रसन के बाद में जो अगली बात आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे जो अधिव्रसन होता है, अधिव्रसन के बाद में जो नली निकलती है इस नली को हम क्या बोलते हैं, शुक्रवाहक, क्या बोलते हैं, शुक्रवाहक, शुक्रवाहक नली। ये सब संख्या में कितनी होती है, व्रसन भी दो होते हैं, अधिव्रसन भी दो होंगे और शुक्रवाहक नलियां भी कितनी होती है, दो होती है। इसके बाद क्या आता है, तो शुक्राशय, यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये यहाँ पे क्या है, ये शुक्राशय है, ये क्या है, शुक्राशय। ठीक, और शुक्राशय के बाद में हमने सीधी सी बात कर ली कि जो कि मूत्र मार्ग होता है, और मूत्र मार्ग ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रही कि ये क्या होता है, कामन होता है, यहाँ पे हमने ये बात कर ली मूत्र मार्ग। ठीक, ये क्या है, मूत्र मार्ग। शुक्राशय कितना होता है, तो यहाँ पे ये बात हमें पता होना चाहिए कि जो शुक्राशय होते हैं ये भी कितने होते हैं, यहाँ पे देखिए अलग अलग है, ये इस साइड में शुक्राशय है, इस साइड में शुक्राशय, जो कि अलग अलग शुक्राशय है। ठीक, ये भी कितने हैं, दो शुक्राशय। अब यहाँ पे आपको ग्रंथियाँ दिखाई दे रही है जो कि प्रोस्टेट और कॉपर ग्लैंड, तो यहाँ पे हम ग्रंथियों के बारे में बात करेंगे, जो ग्रंथि होती है यहाँ पे दो ग्रंथियाँ कौन कौन सी है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि पहली तो जो है वो इसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड, और दूसरा है जिसको कि हम बोलते हैं कॉपर ग्लैंड, या इसको हम हिंदी में बोलते हैं कंद मूत्र पथ, नाम थोड़ा सा ग्रंथि। ठीक, कंद मूत्र पथ ग्रंथि जो कि टफ है, इसको हम कॉपर ग्लैंड भी कहते हैं। तो देखिए चीजें क्या हो गई, व्रसन, व्रसन के बाद में अधिव्रसन, शुक्रवाहक नली, शुक्राशय और मूत्र मार्ग, ये बात हो गई जो कि एक पुरुष के प्रमुख प्रजनन अंग होते हैं। ठीक, जिसमें व्रसन जो है वह प्राथमिक लैंगिक अंग होता है, जिसमें कि शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है, इसके अंदर होता है। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण पढ़ने लायक चीज है वो क्या है, व्रसन। तो हम व्रसन को एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक, देखिए सबसे पहले तो हमें ये मालूम है कि व्रसन जो है क्या है, प्राथमिक लैंगिक अंग होता है जो कि
चार से पांच सेंटीमीटर लंबा और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 3 सेंटीमीटर जो होते हैं यह मोटे होते हैं और व्रसन कोष में व्रसन रज्जु के द्वारा लटके होते हैं। किसके द्वारा लटके होते हैं यह व्रसन कोष में किसके द्वारा लटके होते हैं? तो यह स्पर्मेटिड कार्ड या व्रसन रज्जु के द्वारा क्या होते हैं? लटके रहते हैं। प्रत्येक व्रसन का भार लगभग 10 से 15 ग्राम होता है। कितना होता है? 10 से 15 ग्राम। अब ये तो बात हमने यहाँ पे समझ ली कि इनके भार की और इनके आकार के ऊपर बात कर ली। अब महत्वपूर्ण क्या है कि ये व्रसन बने कैसे होते हैं? तो इसकी आंतरिक संरचना हम देखें तो व्रसन में 3 लेयर महत्वपूर्ण होती है। कौन कौन सी लेयर होती है कि व्रसन जो होते हैं इसमें 3 आवरण होते हैं। कौन कौन से आवरण होते हैं? देखिए, सबसे बाहरी ओर जो आवरण होता है इसको बोलते हैं हम ट्यूनिका वेजिनेलिस, जो कि ये जो लेयर है इसको हम पेराइटल लेयर और विसरल लेयर को मिलके हम बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनेलिस। सबसे बाहरी लेयर जो होती है पेराइटल लेयर और उसके नीचे होती है विसरल लेयर, जिसको हम सम्मिलित रूप से कहते हैं ट्यूनिका वेजिनेलिस। ठीक, ये क्या हो गई? व्रसन की बाहरी लेयर। अब उसके बाद में जो लेयर होती है इसको बोलते हैं हम ट्यूनिका वास्कुलोसा। सेकेंड लेयर कौन सी होती है? ट्यूनिका वास्कुलोसा, जो कि किसके अंदर होती है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो देखो, पहली लेयर ट्यूनिका वेजिनेलिस, जो कि किससे मिलके बनी होती है? पेराइटल लेयर और विसरल लेयर। ये हम समझ लें कि ये हमारी है पहली लेयर। सेकेंड लेयर जो है वो है हमारी ट्यूनिका एल्बुजिनिया। सेकेंड लेयर कौन सी है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और तीसरी लेयर जो है इसको बोलते हैं हम ट्यूनिका वास्कुलोसा। 3 लेयर होती है। अब यहाँ पे देखें कि भाई व्रसन के अंदर होता क्या है। व्रसन के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है, तो इसके अंदर कुछ नलिकाएं के समान संरचना पाई जाती है जिसको बोलते हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या शुक्रजनन नलिकाएं। शुक्रजनन नलिका ही शुक्राणुओं का निर्माण करती है। अंततः हम देखेंगे कि शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है वह किस प्रकार से होता है। तो ये बात हमने समझ ली। अब ये तो बात हो गई कि इसमें कौन कौन सी लेयर पाई जाती है, व्रसन के अंदर कितने लोब्यूल्स होते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे कि इसके अंदर ये लोब्यूल्स होते हैं। ये लोब्यूल्स अगर देखा जाए तो 200 से 300 क्या होते हैं? लोब्यूल्स होते हैं। यहाँ पे ये बात समझ लीजिए कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया, हमने ये बात की कि जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है ये वृद्धि करती है, ये सेप्टाओं का निर्माण करती है। आपने देखा कि जो ये शुक्रजनन नलिकाएं होती है ये शुक्रजनन नलिकाओं को अलग करने का काम कौन करती है? ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया वृद्धि करके सेप्टा का निर्माण करती है और ये सेप्टा ये पट को 200 से 300 लोब्यूल में क्या कर देती है? यह विभाजित कर देती है। और यहां पे प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से 3 अत्यधिक कुंडलित सेमिनिफेरस नलिकाएं, या हम ये बोल सकते कि जो शुक्रजनन नलिकाएं होती है वह पाई जाती है। इसके साथ में इसमें रक्तवाहिनिकाएं और कुछ तंत्रिकाएं पाई जाती है। ये बातें हमें पता होनी चाहिए। और इसके साथ में हम लूज कनेक्टिव टिश्यू वगैरह इसमें पाए जाते हैं और इसमें लगभग 750 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है यह व्रसन के अंदर पाई जाती है। ये बात अब देखिए किस प्रकार से हमने बात की थी कि ये इपिटीडाइमिस, ये शुक्र नलिकाएं और शुक्र नलिकाएं ऊपर चल के यहाँ पे हेड ऑफ इपिडाइमिस या अधिव्रसन का निर्माण करते हैं और अधिव्रसन से ही जो है वह शुक्र नलिकाएं या वासा डिफरेंस जो है वह निकलता है। अब देखिए हम यहाँ पे कुछ बातों के ऊपर डिस्कस करेंगे कि आखिर जो 3 प्रकार की कोशिकाओं की मैंने बात की कि जो टेस्टिस होती है या जो व्रसन होता है, व्रसन के अंदर 3 प्रकार की नलिकाएं, 3 प्रकार की कोशिकाएं जो है वह पाई जाती है। कौन कौन सी 3? ये देखिए हम यहाँ पे कुछ बातों के ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे और ये समझेंगे सबसे पहले कि मैंने बताया कि प्रत्येक सेमिनिफेरस नलिका जो होती है वो जर्मिनल इपिथीलियम के द्वारा लेयर रहती है। देखो
जो शुक्र जनन नलिका है जिसको हम कहते हैं, वो कैसे उनके ऊपर काय का लेयर होता है, तो जर्मिनल इपिथेलियम, कौन सी, जर्मिनल इपिथेलियम की लेयर जो होती है प्रत्येक सेमिनिफेरस नलिकाए या जिसको बोलते हैं हम सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, उसके ऊपर काय की लेयर रहती है, जर्मिनल इपिथेलियम। अब यहाँ पे ये बात देखिए कि सेमिनिफेरस नलिका शुक्र जनन, जहाँ पे कि शुक्राणु जनन होती है, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में ही क्या होती है, शुक्र जनन की क्रिया के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है, क्योंकि यहाँ पे ही शुक्र जनन का स्थल होता है। अब कितना, तो हम ये बात करें कि पुरुषों में जो शुक्र जनन का जो ड्यूरेशन होता है वह पूरा होने में 9 सप्ताह यानी कि 63 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं, 63 दिन में यह शुक्राणुओं का निर्माण हो पाता है। तो जो सेमिनल वेसिकल सेल्स होती है जहाँ पे शुक्राणुओं का निर्माण होता है, वो जो कोशिकाएं होती है वो 3 प्रकार की कोशिका होती है। कौन कौन सी, पहली कोशिका को हम बोलते हैं जनन कोशिका, दूसरी कोशिका जो होती है जिसको बोलते हैं हम दैहिक कोशिका, और तीसरे प्रकार की जो कोशिका होती है जिसको बोलते हैं हम अंतराली कोशिका। इन 3 कोशिकाओं को समझेंगे, सबसे पहले महत्वपूर्ण जो सेल है जिसको बोलते हैं जनन कोशिका, क्योंकि जनन कोशिका जैसे नाम से क्लियर है, जनन किसका जनन, तो शुक्राणुओं का जनन, मतलब कि शुक्राणुओं का निर्माण। शुक्राणु का निर्माण जो होता है वह होता है जनन कोशिका के द्वारा। तो जनन कोशिका में किस प्रकार से रूपांतरण होता है और कौन कौन से विभाजन होते हैं जिसके द्वारा शुक्राणु बनता है, ये बात हम सबसे पहले समझते हैं। देखो, जो शुक्र जनन नलिका होती है, शुक्र जनन नलिका कहाँ पाई जाती है, तो सेमिनल वेसिकल्स में पाई जाती है। शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर की पहली कोशिका जिसको हम जनन कोशिका कहते हैं, इस जनन कोशिका में ही शुक्राणु बनते हैं। तो शुक्राणु को बनने की जो स्टेप्स होती है, इन स्टेप को समझेंगे। देखो, सबसे मैंने ये बात की, ये एंडोस्पर्म से उत्पन्न होती है, ये हमें बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है कि ये जो जनन कोशिका होती है इसका निर्माण कहाँ से होता है। हमें मेन पॉइंट बात करना है कि शुक्र जनन की क्रिया में जो जनन कोशिका के द्वारा होता है, इसमें सबसे पहले क्या बनता है, स्पर्मेटोगोनिया, क्योंकि जनन कोशिका जो होती है यह वृद्धि करती है सबसे पहले, ठीक, और वृद्धि करके इसमें समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन के द्वारा जो कोशिका बनती है इसको बोलते हैं हम स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। देखो, मैं इस पर अंडरलाइन कर रहा हूं, स्पर्मेटोगोनिया, या आप इसको कह सकते हो हिंदी में शुक्र जनक या स्पर्मेटोगोनिया, ठीक। अब यह भी आगे वृद्धि करती है और शुक्राणु कोशिका जिसको कि हम यहां पे बोल सकते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनिया से क्या बना, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। अब प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में होता है क्या, अर्धसूत्री विभाजन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जहां पे भी लैंगिक जनन होगा और जहां पे युग्मक बनेगा, अब यहां पे शुक्राणु क्या है, ये युग्मक है। कौन सा युग्मक है, तो नर युग्मक है। तो जहां पे भी नर युग्मक बनेगा वहां पे अर्धसूत्री विभाजन होना ही होना है। बिना अर्धसूत्री विभाजन के युग्मक का निर्माण संभव नहीं है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, मतलब हेप्लॉइड हो जाते हैं। और जब ये निषेचन के द्वारा एक दूसरे से जुड़ते हैं तो पुनः गुणसूत्रों की संख्या जितनी की उतनी, मतलब कि डिप्लॉइड सेल हो जाती है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे ये याद रखिए कि जो स्पर्मेटोसाइट्स होता है इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, जो कि कैसा होगा, जो कोशिका बनेगी वो कैसी होगी, अगुणित होगी यानी हेप्लॉइड होगी। और हेप्लॉइड से जिसको कि हम द्वितीयक शुक्राणु कोशिका या इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। देखो कितना बेहतर है कि जब अर्धसूत्री विभाजन हो गया तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक। अब ये स्पर्मेटोसाइट्स जो है ये आगे चल के स्पर्मेटिड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्पर्मेटिड्स। अब ये स्पर्मेटिड्स जो होते हैं इनमें स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया द्वारा ये 2 प्रकार की सेल बनती है जिसको हम द्विरूपिक
जो कि कैसी होती है, अगुणित शुक्राणु, जिसमें एक्स और वाई दो प्रकार की सेल्स बनती है। एक सेल्स में एक्स प्रकार का गुणसूत्र रहेगा और दूसरी प्रकार में वाई प्रकार का गुणसूत्र रहता है, और यही आगे चल के लिंग का निर्धारण करते हैं। लिंग का निर्धारण का मतलब कि कौन सी सेल का फ्यूजन एक से होगा, अंडाणु से कौन सी सेल का फ्यूजन होगा जिससे कि आगे लिंग का डिटर्मिनेशन या लिंग का निर्धारण होगा, ये निश्चित कौन करता है, ये स्पर्मेटिड्स यानी कि एक्स और वाई प्रकार की जो गुणसूत्र होते हैं उनकी कोशिकाओं के अंदर जो ये गुणसूत्र रहते हैं ये आगे चल के इस चीज़ का निर्धारण करते हैं। ये बातें हम आगे भी और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये तो बात हो गई। अब दूसरी बात, मैंने कहा कि जो दैहिक कोशिका होती है ये शुक्राणु जनन से इनका कोई संबंध नहीं होता, लेकिन शुक्राणुओं का जो पोषण होता है ना ये कौन करता है, जो दैहिक कोशिकाएं होती है ये शुक्राणुओं का क्या करती है, पोषण करती है। ये पोषण देने वाली कोशिका होती है। देखो कितना बेहतर है, शुक्राणु बन गए, शुक्राणु बनने के बाद उनका पोषण कौन करेगा, क्योंकि शुक्राणु कहाँ स्टोर हो जाते हैं, शुक्राशय के अंदर, और शुक्राशय के अंदर उनके पोषण करने की जो व्यवस्था होती है उनमें एक सेल्स पाई जाती है जिनको हम बोलते हैं दैहिक कोशिका। तीसरे प्रकार की कोशिका जिसको हम अंतराली कोशिका या लीडिंग सेल्स कहते हैं, इसका काम क्या होता है, हार्मोन्स का सिक्रेशन। कौन सा हार्मोन्स, जो मैंने यहाँ पे बात किया कि जो एंड्रोजन हार्मोन्स होता है, ये एंड्रोजन हार्मोन्स कौन स्रावित करता है, तो अंतराली कोशिकाएं। और ये जो हार्मोन्स एंड्रोजन होता है ये क्या होता है, पुरुष हार्मोन्स होता है। इसका क्या काम होता है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये बात हो गई जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की संरचना में कौन कौन सी सेल्स पाई जाती है, हमने तीनों प्रकार की कोशिकाओं को एक एक करके यहाँ पे हमने डिस्कस किया। अब हम आगे की बात करते हैं कि ये एक शुक्रजनन नलिकाओं का एक काट है, और इन शुक्रजनन नलिका की काट में क्या क्या संरचना हमें दिखाई देती है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। Thank you.